मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश कुमार एंड इन दिस वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर 9th ऑफ क्लास 6th स्टैंडर्ड, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. सो देर आर सम फर्स्ट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बायंसी इन एक्वेटिक प्लांट्स इज ड्यू टू. बायंसी का मतलब होता है कि जो वो तैरते हैं एक्वेटिक प्लांट्स पानी के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? तो क्या वो पानी की वजह से होती है, या उनकी बॉडी के अंदर जो एयर होती है उसकी वजह से, या लाइट की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि लाइट और वाटर या टेम्परेचर की वजह से तो कोई प्लांट तैरेगा नहीं. द ऑब्वियस आंसर इज एयर इन देयर बॉडी. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. एयर इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर जो एयर होती है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, तैरते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेज. फिशेज के अंदर किसकी वजह से वो रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस किसकी वजह से लेते हैं? लंग्स की वजह से, स्केल्स की वजह से, अपनी स्किन की वजह से, या गिल्स की वजह से? तो जो ऑर्गन होता है फिशेज के अंदर जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है, उसे हम कहते हैं गिल्स. ठीक है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर कॉल्ड. जो ऑर्गेनिजम्स आपके पानी के अंदर रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ. डकवीड आर विच काइंड ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. जो डकवीड होती है वो किस टाइप का एक्वेटिक प्लांट है? तो आपको पता है कि जो डकवीड होता है वो तैरता रहता है पानी के ऊपर. ठीक है, और जिस डायरेक्शन में पानी मूव करता है उसी डायरेक्शन में डकवीड भी क्या करता है, मूव करता है. तो इसीलिए ये किस टाइप का प्लांट हो जाएगा, फ्लोटिंग. ठीक है, फ्लोटिंग हमारा ऑप्शन ए है. सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स की इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सो हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी लिविंग बींग्स की, यहाँ पर कुछ मेंशन की हुई हैं. दे रिप्रोड्यूस, दे ग्रो, दे नीड फूड और ऑल ऑफ द अबव. मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ग्रो करते हैं, उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स इफ़ यू रिमेंबर दैट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग वाला, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वो ग्रो भी करते हैं, और उन्हें फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी मतलब सारे यू गिवन हैं, ये सारे की सारी क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बींग्स की. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डैश इज द चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में चेंज होता है. सो उसे रिस्पॉन्स कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं, या स्टिमुलस कहते हैं. तो अगर आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली कैरेक्टरिस्टिक याद है लिविंग बींग्स की, तो स्टूडेंट्स उसमें कोई भी एक्शन जो होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करता है, तो उस एक्शन को या उस चेंज को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस. ठीक है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, स्टिमुलस होता है वो चेंज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है. अब आ जाते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस. फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास फर्स्ट है डैश एंड डैश आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट. हमारे जो सराउंडिंग में, क्योंकि आपको पता है हमारा सराउंडिंग बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो आपको इसमें बताना है कि ऐसी कोई दो चीज़ें जो एबायोटिक होती हैं. तो मैंने सॉइल एंड वाटर लिखा है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर. आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, बट दे शुड बी एबायोटिक. ठीक है, तो सॉइल एंड वाटर आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फिल इन द ब्लैंक. ऑल द डैश बींग्स शो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सारी वो कौन सी बींग्स होते हैं जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शो करते हैं? तो वो कौन होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं. सो फॉर सेकंड द आंसर विल बी लिविंग. लिविंग बींग्स शो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. देन द थर्ड इज प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश आर फाउंड फ्लोटिंग इन वाटर. वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर फ्लोट करते हुए मिलते हैं? सो इट इज डकवीड एंड फ्रॉगबिट जो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं. देन नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैव डैश टू ब्रीथ. जो डॉल्फिन्स और व्हेल्स होती हैं उनके पास वो कौन सा ऑर्गन होता है जिसकी वजह से वो ब्रीथ करती हैं? तो उसे हम बोलते हैं ब्लो होल्स. ब्लो होल्स,
BLOWHOLES, ब्लो होल्स होते हैं जिनकी वजह से वो ब्रीथ करती है. देन फिफ्थ वन इज एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश कंपोनेंट. ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके हमारा क्या होता है, एनवायरमेंट बनता है. अब स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल्टरनेट टाइप और एनालॉगी टाइप क्वेश्चन हैं. सो ऑल्टरनेट टाइप में हमारे पास पहले ट्रू फॉल्स हैं. ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है अ कैमल हम्प्स स्टोर्स फूड एंड वाटर. क्या जो कैमल का हम्प होता है क्या उसके अंदर वो फूड और वाटर स्टोर करता है? येस दिस इज ट्रू. तो डेजर्ट के अंदर जो कैमल्स होते हैं वो अपने हम्प के अंदर फूड और वाटर बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद सेकेंड है लाइट इज़ अ मीडियम फॉर पॉलिनेशन इन प्लांट्स. कि जो प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है वो लाइट की वजह से होता है? नहीं, दिस इज फॉल्स. पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है? एयर की वजह से होता है. येस और नो टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं. इसके बाद डज द लोटस स्टेम हैव एयर कैनाल्स इन इट. क्या जो लोटस का जो वो होता है स्टेम होता है उसके अंदर एयर कैनाल्स होती हैं? येस दिस इज ट्रू, उसके अंदर एयर कैनाल्स होती हैं. इज द डेजर्ट कोल्ड इन डे बट हॉट एट नाइट. क्या जो डेजर्ट होते हैं वो दिन में ठंडे और रात को गर्म होते हैं? ये उल्टा दे रखा है, दिस इज नो. वो दिन में गर्म और रात को ठंडे होते हैं. अब राइट रॉन्ग टाइप है. ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कंज्यूमर्स. क्या सारे ग्रीन प्लांट्स कंज्यूमर होते हैं? दिस इज रॉन्ग, दे आर प्रोड्यूसर्स. देन सेकेंड इज वल्चर्स आर डीकम्पोजर्स. क्या जो वल्चर्स होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो जब हमने वल्चर्स के बारे में पढ़ा था तो वल्चर्स हमारे किस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे? द वल्चर्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डीकम्पोजर्स. यस सो वल्चर्स आर डीकम्पोजर्स और सॉरी वल्चर्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्केवेंजर्स. ठीक है, डीकम्पोजर्स अलग होते हैं हमारे. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन एनालॉगी टाइप क्वेश्चन हैं. पपी जो होता है वो डॉग का ऑफस्प्रिंग होता है और लार्वा किसका होता है? कैटरपिलर का. कोनीफर्स माउंटेन में मिलते हैं और कैक्टस हमें कहाँ पे मिलते हैं? डेजर्ट्स में मिलते हैं. अब हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं. इसमें फर्स्ट है व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है स्टूडेंट्स? द एरिया और सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. वो एरिया या सराउंडिंग जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं. सेकेंड इज व्हाट इज मीन्ड बाय अडेप्टेशन. अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? अडेप्टेशन का मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी स्पेसिफिक फीचर का होना, द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन. मतलब कुछ फीचर्स का या कुछ ऐसी हैबिट्स का होना जिसकी वजह से वो अपने एनवायरमेंट के अंदर क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं. जैसे जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फर होती है और उनकी बॉडी के अंदर एक थिक कोटिंग होती है किसकी, फैट की, चर्बी की, जिसकी वजह से वो बहुत चिलिंग वेदर में भी सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, और उनके जो फीट्स होते हैं वो पैडेड होते हैं जिसकी वजह से, और बड़े क्लॉज होते हैं जिसकी वजह से वो स्नो के ऊपर इजीली चल पाते हैं. तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ हैबिटेट्स. जो दो मेन कैटेगरीज हैं हैबिटेट्स की वो कौन सी हैं? तो जो हैबिटेट होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है, दैट इज़ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक मतलब कौन सा होता है? जो आपके पानी के अंदर रहते हैं. और टेरेस्ट्रियल मतलब कौन सा होता है? जो आपके ज़मीन पर रहते हैं. ठीक है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. नेक्स्ट गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स. आपको बताना है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, इनके दो एग्जांपल्स देने हैं. तो स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल में तो आप कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, जो एनिमल्स आपके ज़मीन के ऊपर रहते हैं जैसे कैट, डॉग, कैमल, लायन, ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर लिविंग ऑन लैंड. सो यू कैन गिव एनी ऑफ द एग्जांपल. आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे. और एक्वेटिक एनिमल्स की जहाँ तक बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, ठीक है, फिशेज, अलग अलग टाइप की, ये सब कहाँ पर रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं. देन द लास्ट क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज why do animals adapt themselves to the habitat in which they live. जो animals होते हैं वो अपने आप को adapt क्यों कर लेते हैं उस habitat में जहाँ पर वो रहते हैं? So the answer is animals adapt themselves to the habitat in which they live in order to survive. मतलब क्योंकि सबको ज़िंदा रहना है, survive करना है, तो इसीलिए उस habitat में वो क्या करते हैं, कुछ adaptations ले आते हैं जिसकी वजह से वो easily क्या करते हैं, survive करते हैं. ठीक है, so इसीलिए adaptation लाना बहुत ज़रूरी है उनके लिए. Okay students? So this is what for your today's class.
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार.